ना ही तो मैं अब उन्हें कॉल करके एक्सक्यूज करूंगी और ना ही हम उन्हें बाहर लेकर जाने वाले। ये तो हर वक्त मेरी बेइज्जती है ना, मैं बार बार अपनी इंसल्ट नहीं बर्दाश्त कर सकती। वर्दा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अब मम्मी नहीं मान रही तो मैं क्या करूं? अगर मना कर दिया है तो तुम उनसे बात कर, तुम्हारा काम है उन्हें मनाना, मेरा नहीं। हाँ बाबा समझाया है मैंने, अब उनसे मैं क्या जिद लगाऊं मजीद यार। तुम एक काम करो, तुम घर पहुंचो और खुद कुछ अरेंज कर लो। आरिज देखो मैं इस वक्त बिजी हूँ और लेट हो रहा हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। ओके सुनो, हेलो बात सुनो, यकीनन ये हुदा के ही काम होंगे, जरूर इसी ने कान भरे होंगे अपनी माँ के। किसने किसके कान भर दिए और कौन हो सकता है? हुदा वहां बैठी ना मेरी दुश्मन बनी ढीठ औरत, उसी ने किया ये सब कुछ। जैसे तुम जिद्दी हो ना वैसे वो ढीठ है, तुम्हारी जिद है उसको नीचा दिखाने की, उसकी जिद है अपने आप को मनवाने की। कोई वक्त आप छोड़ते नहीं है तंज करने का? हाँ मैं तंज नहीं कर रही हूं, हकीकत बता रही हूं। मैं ही आपकी हकीकतें फिर कभी सुन लूंगी। मैं जा रही हूँ, आप अजमीर के साथ आ जाइएगा, आंटी की तबीयत भी थोड़ी साफ करनी पड़ेगी लगता है। और हाँ रही बात हुदा की, तो मैं उसे संभाल लूंगी, आप आ जाइएगा। बड़े पक्के इरादों की लड़की है मेरी तरह।